खट्टा खाने वाली चुड़ैल। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, हे भगवान, आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू, आई बला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ, क्या देख लिया, दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है। श्रवण रसोड़े में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़े में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है। चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहाँ आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है, आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू, जैसे कुछ मंत्र पढ़ो चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो, कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल। वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, घर भी लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे, हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना, क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना? नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं, यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहु पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं, अब देखो उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है
और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती हैं। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा, खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है? मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं। अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो, आर्ज किया है, आबरा का डाबरा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोरे ले, सुरन मामू जारा। ये मंत्र है? अरे कोई चालीसा वालीसा पढ़ो ना। वक्त कम है, चालीसा नहीं पढ़ेंगे, बीसा पच्चीसा में काम चलाना पड़ेगा। अलक निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उलझलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़ी चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। कौन बनेगा नेता? नगर निगम के चुनाव पास आने वाले थे। पूरे कानपुर शहर में टिकट को लेकर मारामारी शुरू थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में वार्ड नंबर 40 की सीट थी। वो इसलिए क्योंकि इस बार वहां की सीट महिला के लिए आरक्षित थी। अब सवाल ये था कि चुनाव लड़ेगा कौन? इससे पहले ठाकुर साहब वहां से पार्षद थे और इस बार उन्होंने अपनी पत्नी सीमा ठाकुर को टिकट दिलवाई और ठाकुर साहब की शान के कारण सीमा जी ने 20,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। अरे बधाई हो सीमा भाभी, अब तो आप वार्ड की पार्षद बन गई हैं, अब तो हमारे काम आप ही करवाएंगी। अरे ये तो सिर्फ नाम की पार्षद बनी है, वो तो महिला सीट आ गई, वरना पार्षद तो मुझे ही बनना था। अब भले ही चेहरा इसका होगा लेकिन पावर तो मेरी ही होगी। अरे वाह भाई साहब, क्या दिमाग लगाया है आपने भी। आइए आप लोग, खाना लगा दिया है सबके लिए। सीमा जी पार्षद बन चुकी थी, फिर भी उनकी एक ना चलती, सारे काम ठाकुर साहब खुद ही संभाल लेते और जहां जरूरत पड़ती वहां सीमा जी का अंगूठा लगवा लेते। सीमा जी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। एक दिन ठाकुर साहब और सीमा एक प्रोग्राम में जाते हैं। अरे ठाकुर साहब आप आ गए। ओहो पार्षद मैडम भी आ गई हैं, स्वागत है आप दोनों का। लगता है हमारे पार्षद फंड का सही इस्तेमाल हो रहा है, चलिए अब उद्घाटन करते हैं। ये लीजिए ठाकुर साहब कैची, आप ही सबसे पहले प्रवेश कीजिए। सब लोग आगे निकल जाते हैं और सीमा जी पार्षद होने के बावजूद भी पीछे खड़ी रह जाती हैं। वो देखती हैं कि वेलकम बोर्ड पर उनका नाम है लेकिन महिला होने के कारण कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा।
अगले दिन एक आदमी उनके घर आता है। अरे ठाकुर साहब नमस्कार, कल ना हम नोटिस किए कि हमारा घर तो अवैध है और नगर निगम वाले उसे तोड़ने आ रहे हैं। अरे कुछ कीजिए ना ठाकुर साहब। देखो भाई, मैं तो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, पर अगर तुम सबकी जेब गर्म कर दो तो कुछ हो सकता है। कुल मिलाकर 4 लाख लगेंगे। अरे 4 लाख ठाकुर साहब? अरे भाई, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, दरोगा है, इंजीनियर बाबू है, बड़े साहब है, सबको देना पड़ता है ना थोड़ा थोड़ा, बोलो है मंजूर। तभी वहां अचानक सीमा जी आ जाती हैं। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? पहले इन्हीं लोगों से तो आपने वोट मांगे, अब इनसे ही पैसे ले रहे हो? अरे चुप रहो तुम, तुम्हारा काम है सिर्फ अंगूठा लगाना, तुम वही किया करो, मुझे दूसरे काम तुम मत सिखाओ, समझी? और तुम ना जाओ अब, पैसे लेकर आओ, वरना जेसीबी किसी भी वक्त आती होगी। सब कुछ ऐसे ही चलते रहता है। एक दिन सीमा जी और ठाकुर साहब को एक लोकल मीटिंग में बुलाया जाता है। वहां पर कई और अधिकारी लोग भी मौजूद रहते हैं। अब मैं चाहूंगा कि ठाकुर साहब हमारे बीच 2 शब्द कहें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबकी सेवा दिन रात कर पा रहा हूं। आपने मेरी पत्नी को भारी मतों से जिताया है, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। मैं आप सबसे वादा करता हूं कि हमेशा की तरह हमारे वार्ड में किसी को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब मैं माननीय पार्षद मैडम को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। अपने नाम को बुलाया सुनकर सीमा जी एकदम चौंक जाती है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जगह उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा। जैसे तैसे वो मंच पर चढ़ती हैं। ऊपर जाते ही सीमा जी को सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि किस तरह उनके पति उन्हें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते और उनके नाम से गलत काम करते हैं। वो बोलने लगती हैं, मैं आपके वार्ड की पार्षद सीमा हूं। आप में से बहुत कम लोग ही मुझे जानते होंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। सारे मौके मेरे पार्षद पति यानी आपके ठाकुर साहब ही लेते रहे, लेकिन आज ये मौका मुझे मिला है तो मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपके ठाकुर साहब मेरे नाम की आड़ में गैर कानूनी काम करते हैं, जिस पर अंगूठों के निशान मेरे होते थे। इसीलिए मैं अपनी गलती मानती हूं और आज अपने पद से इस्तीफा देती हूं, ताकि आगे से कोई गलत काम ना हो पाए। अब फैसला आप सबके हाथ में है कि आप हमें क्या सजा देना चाहते हैं। सीमा जी की बातें सुनकर ठाकुर साहब के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो शर्म से मुंह नीचा करके वहां से चले जाते हैं और पद से इस्तीफा देकर ही सही, सीमा जी अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करती हैं। क्या सास बन सकती है माँ? अरे क्यों रे, काम में ध्यान नहीं है, जो सब्जी में नीरा नमक भर दिया, मुफ्त में रोटी तोड़ने की आदत पड़ी हुई है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। गलती हो गई माँ जी, माफ कर दीजिए। माफी चाहिए? चलो ठीक है, ये नमक भरी सारी सब्जी खत्म कर, कुछ भी फेंकना नहीं चाहिए, मिल जाएगी माफी। सुनैना की शादी कुछ महीनों पहले ही वासु से हुई है, जिसके बाद से उसकी जिंदगी इस नरक में जल ही रही है। और अब यही सुनैना की आम जिंदगी है, जिसमें उसकी सास हर छोटी बात पर और कभी कभी तो बिना किसी बात के बस उसे परेशान कर खरी खोटी सुनाती ही रहती है। सुनैना, कल मुझे कहाँ मरी हुई है, इधर तो आ। सास की आवाज सुन सुनैना भागती हुई उसके पास आती है। क्या हुआ माँ जी? अरे तुझे पता है मेरे पैरों में दर्द रहता है, तो मुझसे बदला लेने के लिए टीवी का रिमोट इतनी दूर रख दिया। अरे मुझे ज्यादा खड़ा कर पैर तुड़वाना चाहती है क्या? आज पूरा दिन तू एक पैर पर काम करेगी, अगर कहीं दूसरा पैर जमीन पर रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सास और सुनैना की ये कहानी उसकी ननद सिम्मी बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से उसके मन में ससुराल और सास के लिए डर बनने लगता है। इसी तरह दिन बीतते हैं। एक शाम वासु और सुनैना साथ बैठे होते हैं।
क्या बात है, तुम दिन पर दिन कमजोर कैसे होती जा रही हो? नहीं तो, आपको ऐसे ही लग रहा होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हो सकता है, पर चलो ध्यान रखना, मुझे कुछ काम है। ऐसा बोल जैसे ही वासु जाता है तभी सिम्मी वहां आ जाती है। भाभी, आप भाई को माँ के बारे में बता क्यों नहीं देती? वो आपके साथ बहुत गलत करती है। क्या सारे ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं? भाभी, मुझे तो शादी नहीं करनी, बहुत डर लगता है मुझे। अरे तुम बेकार ही टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा ससुराल बहुत अच्छा है, इसलिए खुशी खुशी ससुराल की तैयारी करो। सिम्मी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुनैना उसकी बातों से सोच में पड़ जाती है। कुछ दिनों बाद सुनैना के मम्मी पापा और भाई उनके घर आते हैं, जिन्हें देख सास हैरान रह जाती है। आप लोग सुनैना से मिलने आए हैं? अरे बहू, देख तो तेरे मम्मी पापा आए हैं। जी नहीं, आज हम यहाँ लड़की नहीं लड़के वाले बनकर आए हैं। हाँ माँ, मैंने ही सिम्मी और शरद के रिश्ते की बात मम्मी पापा से की थी। शरद हमारी सिम्मी के लिए परफेक्ट है। बेटे की बात मानते हुए उसकी माँ रिश्ते के लिए मान जाती है, पर अब सिम्मी के मन में ससुराल का डर और ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे यहाँ माँ भाभी पर जुल्म करती है, ये भी पक्का अपनी बेटी का बदला लेने के लिए ही मुझसे शादी कर रहे हैं। इसी सब के बीच देखते ही देखते सिम्मी शरद की शादी हो जाती है और सास के नाम से डरी सहमी सिम्मी ससुराल पहुंच जाती है, जहां पहुंचते ही वो डरते हुए बोलती है, मम्मी जी, मैं अभी पूरे घर का काम कर दूंगी और जॉब भी छोड़ दूंगी। जैसे आप कहोगी मैं सब कुछ वैसे ही करूंगी। अरे इतना डर क्यों रही हो? और अभी घर आई हो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, नई शादी है, कुछ दिन आराम करो, घूमो फिरो। रही बात घर या जॉब की, तो वो तुम्हारी चॉइस है, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। सास का ऐसा व्यवहार देख सिम्मी हैरान रह जाती है और अपनी भाभी सुनैना का ससुराल में पहला दिन सोचने लगती है। चलो हो गया कार्यक्रम खत्म, जाओ वासु आराम कर। बहू तू अपने काम पर लग जा। काम से मेरा मतलब है घर का काम, क्योंकि अब से तुम इसके अलावा और कोई जॉब बॉब नहीं करोगी। हाँ, क्या हुआ, कहाँ खो गई? लगता है सपनों में ही घूमने लगी। बताती हूँ तुझे, अभी मेरी बेटी का मजाक बनाएगा? सपने में क्यों, असलियत में घुमा कर ला जा। ससुराल की ऐसी इमेज सिम्मी ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अपने आप को बहू नहीं बेटी सुन उसे बहुत हैरानी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो अब सिम्मी को किसी भी जगह से ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगता है। एक दिन सिम्मी सबसे मिलने मायके आती है तो अपनी माँ को भाभी पर चिल्लाते हुए देखती है। अरे करमजली, अगर मुझे इतना ही पैसा खर्च करना होता तो तेरी जगह घर में नौकरानी ना रख लेती। तुझे लेकर आई जिससे नौकरानी का पैसा बचे, पर तू तो उससे भी ज्यादा खर्चा करा रही है। बस माँ, तुम्हें कोई कुछ बोलता नहीं तो हर हद पार करोगी क्या? अगर यही सब मेरी सास करे तो? अरे तो उनकी बेटी को जिंदा गाड़ दूंगी। तुम्हारे और उनके अंदर यही तो फर्क है माँ, तुम उनकी बेटी के साथ क्या क्या करती हो। सब कुछ पता होने पर भी वो तुम्हारी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। एक आप है, उनकी बेटी को अपनी बेटी जैसा तो क्या बहू तक नहीं समझती। माँ आपको सुनकर मिर्ची जरूर लगेगी, लेकिन मेरी सास मेरी माँ से अच्छी माँ और सास दोनों हैं। इस पर सिम्मी अपनी माँ को अपने ससुराल और उसके प्यार के बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुन सुनैना की सास को अपनी हर गलती का एहसास होता है। अगर वो चाहते तो आराम से अपनी बेटी का बदला मेरी बेटी से ले सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और तुझे हमसे भी ज्यादा प्यार दिया। तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। इसके बाद तो जैसे सुनैना की सास का रूप पूरी तरह बदल जाता है। मिशन सक्सेसफुल। रिवेंज लेना है क्या?